नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। कोसीकला भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती मंडल अध्यक्ष हुकम चंद अग्रवाल की अध्यक्षता एवं जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गयी। पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की भाजपा के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानवता के प्रेरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन काल में मानवता को बढ़ावा देते हुए एकता का पाठ पढ़ाया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा स्थापित छोटा सा संगठन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जिसने देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिला। हुकम चंद अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना जीवन देश हित में समर्पित कर दिया। पंडित जी का जन्म पंडित भगवती प्रसाद के एक छोटे से परिवार में हुआ था। पंडित दीनदयाल एकात्म मानववाद में विश्वास रखना एवं लोकतंत्र में अगर किसी से संबद्ध हो सकता है तो केवल मानवता से हो सकता है। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री इंद्रपाल धनगर, सेक्टर संयोजक विजय शर्मा, ओबीसी मोर्चा महामंत्री चरण सिंह, पवन यदुवंशी, सौरभ जैन, कल्पेश जैन, भानु प्रताप सिंह, नेमचंद गर्ग, राजेंद्र रोहिल्ला, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश वाल्मीकि, विनय उपाध्याय, लोकेश दीक्षित, दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अपना योगदान दिया। ऐसे पहले जनसंघ के महामंत्री थे और हमारे अध्यक्ष जी ने अभी विस्तार से उनके बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उनका एक एकात्म मानववाद और अंत्योदय, दो प्रमुख रूप से उन्होंने उन पर काम करने का प्रयास किया। एकात्म मानववाद बहुत बड़ा विषय है और अगर उसको हम समझेंगे तो उन्होंने जो पश्चिम के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र की दोनों की एक व्यवस्था में क्या अंतर है, तो उनका एक सीधा सीधा एक उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि मानवता का मानवता से संबंध हो सकता है, व्यक्ति के व्यक्ति से संबंध हो सकता है, परिवार का परिवार से संबंध हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई लोक, वो इन बातों से सहमत नहीं थे वो लोकतंत्र के अंदर, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई संबंध हो सकता है तो वो केवल मानवतावाद का संबंध हो सकता है। जिसे उसी के ऊपर मानवतावाद जब उन्होंने कहा, एकात्म मानववाद उसी के ऊपर फिर हम लोगों ने आगे, हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर थे वो लोग एकात्म मानववाद पर आगे बढ़े, उसका पूरा विश्लेषण किया। आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं, ऐसे मानव महामनीषी के जन्म दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने जो हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक राजनीति में एक स्वच्छता कैसे हो, शुचिता कैसे हो, जिस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना जीवन दर्शन में उनका वर्णन है, उसके आधार पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करें, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। आज दीनदयाल जी का जन्मदिन मनाया गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक साल में 6 प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों से ऐसे एक हमारे दीनदयाल जी की जन्म भी है, जो आज 107वीं जन्मदिन हमारे सभी कार्यकर्ता हर सेक्टर पर हर बूथ पर आज सभी कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। हमारे हर प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हमारा सेक्टरों पर लगा है, एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ अध्यक्ष पर लगा है, सभी कार्यकर्ता आज यहाँ आकर के बहुत बड़े उल्लास के साथ में उनके जन्मदिन को मनाया और आज 107वीं उनकी जयंती है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल तो इसीलिए है कि वो हमारे इस जिले में ही, हमारे जो दीनदयाल जी थे वो इस जिले में ही पैदा हुए थे, उनके जो जन्म स्थान है वो भी हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में फरे में है। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ में आज ही हमारा दीनदयाल जी का जन्मदिन मनाया।